गाइस कैसे हैं सब लोग। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे और मैं अब निकल रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए, बट उससे पहले चित्तौड़गढ़ घूम के जाऊँगा। और सर अरे मुंह पे नहीं दो यार, अरे तो क्या हो गया। चला जाए यार अब, ठीक है सर लोग, मिलते हैं बहुत जल्दी। अब ये हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है चलते हैं सर। ले लिया अपना? हाँ ले लिया, चलते सर। हाँ ओहो, फाइनली हम लोग की ट्रिप तो खत्म। सो गाइस ये रहा वो हाईवे चित्तौड़गढ़ वाला जिससे हम लोग आए थे, और इसी हाईवे पे हम लोग वापस इसी हाईवे से हम लोग चित्तौड़गढ़ जाएंगे। और यहाँ और जहाँ मैं रुका था अपने सीनियर के यहाँ CHC में, वहाँ से 40 किलोमीटर है और अभी लगभग 15 से 20 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। जब आपसे सीधे चित्तौड़गढ़ में ही मिलते हैं यार, और हाईवे का मज़ा लेता हूँ थोड़ा। चित्तौड़गढ़ आ चुके हैं और फोर्ट से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर पहले यहाँ पर रुके हैं नाश्ता वगैरह, क्योंकि हम लोग बिना खाए पिए निकले थे। और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, हम लोग अभी पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग सोचेंगे क्या करना है आगे। मैंने लिया है कचौड़ी, भाई साहब लिए हैं पोहा। इसका एंट्रेंस, हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है हम देख लेंगे, आगे देखेंगे। लक्ष्मण पुल हमारे गाइड हैं, ये हमें बताएंगे चित्तौड़गढ़ किला पूरा। दो लोग मिले थे, उनका चार्ज इतना हाई फाई था पूछो मत, 650 रुपये पर पर्सन ले रहे थे भाई। भाई इतना बजट अपना नहीं था। अरे देखो भाई साहब कहाँ ले जा रहे हैं यार ये। सासवेंगढ़ पूरा किला बसा हुआ है। हाँ। और एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़ किला। अच्छा 13 किलोमीटर का बाउंड्री वाले किले का। हाँ। तो सासवेंगढ़ वहाँ किले के अंदर बाउंड्री वाले। हाँ। वो 13 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। अच्छा किला जो आप पूरा विजिट करते हैं, जितना जो पेड़ वगैरह रखते हैं किले के अंदर, वो सारा सीताफल का पेड़ किले के अंदर ही है। सीताफल का पेड़ है? शरीफा होता ना। हाँ। उसी का पेड़ किले के अंदर 100% 20% ही खाते किले वाले जो आबादी बनाओ किले अंदर। आज भी 5,000 लोग जहाँ पे टिकट लिया है किला देखने का, जो मकान वगैरह देखने पीछे मकान जो बने हुए, आज भी इस किले के अंदर प्रेजेंट टाइम पे 5,000 लोगों का पॉपुलेशन है। अच्छा 5,000 लोग आज भी किले के अंदर आबादी बना हुआ। तो आबादी फर्स्ट में किला बीच में जंगल जो ना फॉरेस्ट लगा 4 से 5 किलोमीटर का। अच्छा रानी का जो प्लेस देखोगे पद्मनी का। हाँ। उससे आगे जंगल है 4 से 5 किलोमीटर का। अच्छा जो घूम कर आप किले का मेन गेट देखते सूरज पोल दरवाजा, जहाँ से आया था ना दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, वो उस गेट से आया था। अच्छा, आप जाए सिंगल किले के 7 गेट से गए ना, अभी पाडल पोल बेरो पोल कई पोल पड़े हैं। हाँ अच्छा बैक साइड से। अच्छा ये जो मकान वगैरह देखने, जो मकान जो बने हुए उस जमाने की खेती बड़ी होता था, खाना पानी पीने का आइटम वगैरह। अच्छा और किले का जो मेन गेट दिखाऊंगा आपको सूरज पोल दरवाजा, वहाँ से जाता है किले के अंदर। अच्छा तो जो सीताफल होता है किले के अंदर 20% किले वाले जिससे वो बेचते वगैरह खाते वगैरह जो सीताफल हरा भरा होता है, बाकी जो सीताफल किले के अंदर सूख जाता है गर्मी के टाइम पे ब्लैक पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, वो यहाँ से तोड़ के आते हैं कि आदिवासी लोग बिल जाते किलो बिल जाते किलो जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था लड़ाई के अंदर। अच्छा उन्हीं के मकान जो किले का मेन गेट दिखाऊंगा आपको सूरज पोल दरवाजा वहाँ पे बने हुए, जो सीताफल सूख जाता है काला पड़ जाता है तोड़ के वो ले आते हैं, जो राजा मुझे टाइम से बनाते आर्टिकल 400 साल पूरा आर्टिकल हस्तकला हाथ की कला वगैरह बनाते हैं, जो वो मिलता है राजस्थान हस्तकला था। टिकट लेना 40 रुपए का उसी टिकट से, टिकट दे दीजिए मुझे। टिकट सचिन टिकट देना यार, तो ये टिकट आपके 3 जगह पे शो होता है। अच्छा अच्छा यहाँ से एंट्री ली आपने। हाँ। यहाँ पे चेक हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जो रानी का महल देखते ना पद्मनी का। हाँ। आगे जो देखेंगे पद्मनी का प्लेस, चलिए देखेंगे अभी ना। हाँ। वहाँ पे जो दासी रूम वगैरह देखते गार्डन वगैरह बगीचे वगैरह उसके टिकट काम आता है, और आखिर में आप देखते हाथ की कला राजस्थान हस्तकला उधर भी टिकट काम आता है। अच्छा ये देखे ऐसा एंट्री RS 35, ये जो गार्ड वगैरह काम करते हैं किले के अंदर ये उनकी तनख्वाह निकालती गवर्नमेंट वगैरह 35 रुपए। और ये देख रहे 5 रुपए लगे। हाँ। ये 5 रुपए टिकट में से उन लोगों को मिलता है बिल जाति के लोगों को। अच्छा, जो आज भी गवर्नमेंट टिकट में देती है। हाँ, अच्छा। और ये जो आप सामने टावर देख रहे हैं। हाँ। इसको बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री। टावर ऑफ विक्ट्री इसको टावर ऑफ विक्ट्री। हाँ ये विजय स्तंभ है, ये विजय के उपलक्ष्य बनाया गया है महाराणा कुंभ या उस जमाने को बनाने के अंदर। उस जमाने के अंदर 1600 सिक्के वगैरह चलते थे, पैसा वगैरह चलता था, तो उससे खर्चा आया 122 फीट हाइट है इसका। 122 फीट हाइट है। हाँ ये बात। 113 मंदिर 84 क्या
अच्छा तालाब 113 मंदिर और 84 तालाब। अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा। ये क्या है? ये मंदिर मंदिर इस मंदिर का निर्माण किया था 11वीं शताब्दी राजा भोज ने। आपने कहा सुना होगा ना, कहा राजा भोज का मंदिर पाया था 11वीं शताब्दी के अंदर। तो जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए किले पे टेक किया 1303 के अंदर, तब इस किले के अंदर 113 मंदिर को तोड़ा। अच्छा, उससे टैंक की बाउंड्री को तोड़ा। अच्छा, इसमें क्या इस मंदिर को भी डैमेज करता, तोड़ देता है, जितना जो मेल मूर्ति बताता है किले के अंदर वो सारा इस तरह से डैमेज मिलता है आपको। हाँ ये बात तो है, डैमेज तो बहुत ही किला हुआ दिख रहा है। इसीलिए किला देखने के लिए खंडर और सुनने के लिए आप इतिहास है। तो अपने हिंदू धर्म में नियम होता है कि जो डैमेज मूर्ति होती है उसका पूजा पाठ वगैरह नहीं किया जाता हिंदू धर्म में। अच्छा अच्छा। तो सन 1485 के अंदर महाराणा मोकल सिंह ने इसको दुबारी पर करवाया। अच्छा अच्छा। ये जो टावर बैठा था ना विजय स्तंभ महाराणा, उन्हीं के पिताजी महाराणा मोकल सिंह उसे दुबारी पर करवाया। इसके अंदर क्या 9 फीट का मूर्ति है। अच्छा, एक ही 9 फीट का स्टोन है जिसमें त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा अच्छा। जन्म देने वाला, पालन करने वाला, मारने वाला। चल सकते हैं अंदर? हाँ, मंदिर के अंदर क्या त्रिमूर्ति। भैया मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है। अच्छा अच्छा, शूज तो उतारना पड़ेगा ना। हाँ। अंदर के शिव के 3 रूप है। अच्छा अच्छा। अंदर उनके बेटे गणेश जी। हाँ हाँ। जिनका एक ही स्टोन पे, सिंगल स्टोन पे पूरा फैमिली मूर्ति बनाया। दोनों वाइफ है रिद्धि सिद्धि और दोनों बेटे उनके शिव बोरला। ओ अच्छा, क्या कलाकारी है यार, देख रहे हो। ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, जन्म देने वाला, पालन करने वाला, मारने वाला, तीनों रूप इसी के अंदर है। बुढ़ापा, बचपन। हाँ, इसे इस पूरे किले के अंदर 84 तालाब है, 14 बड़े मिलाते हैं। अच्छा। उसमें एक ये कुंड है गोमुख कुंड, जहाँ रानी पद्मनी यहाँ पे रानी की जाती है। ये रानी का स्नान कुंड है। अच्छा, स्नान रानी यहाँ पे नहाती थी नीचे। आप गूगल क्रोम के सर्च करें चित्तौड़गढ़ किला। अच्छा, चित्तौड़गढ़ किला। हाँ, तो सबसे पहले ये झील दिखाएंगे आपको, पानी का गोमुख झील। ये बाउंड्री वाला पूरा 13 किलोमीटर का टॉप पे जाते हैं जमल पता का हवेली महाराणा का उद्देश्य जी। अच्छा, तो यहाँ से रानियाँ जाती थी नीचे, वहाँ जाके नहाती थी। ओ हो, बड़ी मेहनत वाला काम था यार। अपने तो बाथरूम जाने में आलस करते हैं। इनका जोर स्थल जोर को। अच्छा, उस जमाने के पे खड्डा था 50-60 बेड। अच्छा, जगह डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट भारतीय, उसे मिट्टी के पैक कर दिया है। अभी पर्यटक सामने मिट्टी का हवन कुंभ छोटा सा देख रहे आप। हाँ, जो मार्च में आता है मेला लगता है, जोहर मेला। सभी राजपूत लोग आज भी आते हैं। जो मेवाड़ के राजा ना महेंद्र सिंह जी अमित सिंह मेवाड़, जब उदयपुर देखते सिटी प्लेस के अंदर, वो राजा आज भी यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो सामने जब देखते हैं मिट्टी का जो हवन कुंभ बना हुआ है। हाँ। इसके अंदर पूजा पाठ वगैरह करते यज्ञ वगैरह प्रेजेंट टाइम पे। और इस सामने बोर्ड लगा रखा है जोरस्तन। जोरस्तन लेडीज। हाँ, 16,000 लेडीज के साथ। 16,000 दास थी उसकी। हाँ। तो उसके साथ अपने आप को जिंदा आग में जलाया था, जिसको बोलते जोहर। डैमेज जो पड़ा हुआ है उसको बोलते सती मंदिर। अच्छा, जिसको मर जाता है राजा लड़ी के सिंह होता, तो राजा के साथ रानी भी जल जाती थी, जोहर कर लेती थी, उसको बोलते सती हो गई। अच्छा, सती मंदिर बोलते। और ये जोर गेट है, ये पूर्वी जोर गेट, और आपने जो एंट्री लिया ना उत्तरी जोर गेट। अच्छा, पूर्वी जोर गेट, पूर्वी जोर गेट और ये उत्तरी जोर गेट। अच्छा, पानी का जो प्लेस बना हुआ है रानी पद्मिनी का प्लेस से जल प्लेस, जिसे लोग जनाना मेल भी कहते हैं और समर प्लेस के नाम से भी जाना था इसे। अच्छा, पानी के इसलिए बना उस जमाने के अंदर क्या ऐसी पंखे कूलर ये नहीं चलता था राजा मजो के जमाने। वो तो है, क्योंकि पानी के बना ना प्लेस तो ठंडा रहता है। साल के 12 महीने होते हैं, 4 महीने गर्मी के टाइम पे राजा और रानी इस प्लेस का करते हैं। जो पानी के अंदर बना ठंडा रहता है। अच्छा अच्छा। राजा और रानी इस प्लेस के अंदर नाव के जरिए करते वोटिंग के द्वारा। हाँ। और यही से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का प्रतिनिधि वगैरह चेहरा। उधर मेल के पास देखे ना स्टेप जो बना हुआ है। हाँ। उधर बैठा है 20 सेंटीमीटर रानी पद्मिनी को। अच्छा, यहाँ पे कमरा देखे खिड़की जो लगा हुआ है वहाँ पे खड़ा किया। यार लिमका जल्दी है, हर दुकान वाले रखते नहीं है, जल्दी मिलती नहीं है। वैसे मेरे फेवरेट थम्सअप है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये लिया क्योंकि मैं ये बहुत दिन बाद पी रहा हूँ, कई सालों बाद, मुझे याद ही नहीं मैंने लास्ट टाइम कब पिया था। और अभी गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा, कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे ही ले रहे हैं लिमका उमका टाइप का कुछ पीने होने के लिए। और आगे चल के हम लोग कोई ढाबा रुकेंगे, वहाँ पर खाना वाना खाएंगे। और अभी हम लोग लगभग 130 किलोमीटर कम्प्लीट कर चुके हैं।
शाम के 50 किलोमीटर बाद जाके हम लोग को मिला होटल खाने को। गाइस इस हाईवे में यार रेस्टोरेंट बहुत कम है यार, जल्दी मिलते नहीं है, इसलिए जो मिल जाए खा लो। ये हम लोग का मेजर हॉल्ट है यहाँ पर, हम लोग कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट यहाँ रुकेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ये धूप बहुत ज़्यादा है यार, बहुत गंदी वाली धूप है। आसू मिक्स वेज और ये क्या है यार, कढ़ाई पनीर।